हथियारों वाली बैग मेरे हवाले करो और अपनी चकली को ले जाओ। जो पैसा हमें मोटा भाई को देना है वो तो हम दे नहीं सकते, ऊपर से उनके ही घर में चोरी कर। आपसे नहीं होगा ना तो मैं करूंगी चोरी। ये कांता, ये देख ये बैग भी खुला पड़ा है, लगता है यही सब हथियार है। हाँ ये सब हथियार ना हम लोग बैग में भर देते। हाँ। हाँ, आप लोग इतनी रात को हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या है कि ये कांता है ना मेरी, उसको ऐसे लगा कि ये तुम्हारे जो हथियार है ना वो सब देखना चाहिए। फाइनली हथियारों की पैकिंग हो गई प्यारे। हाँ अब बस इसे भंगार में बेच देते हैं। बेच देते हैं, सुना तूने? तूने गलत सुना, मैंने बोला भेज देते हैं, भूत मारी जी के पास इसे भेज देते हैं। प्यारे सबसे बड़ी बात, अब हमें सावधान रहना होगा। दूसरी बात, हमारे पास दो दिन तक कोई हथियार नहीं। तीसरी बात, इस बात की कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे वो स्टेटस अपडेट कर रहा था, करने देना प्लीज। क्या लिखा है? पढ़ पढ़। दो दिन तक नहीं है हमारे पास हथियार, प्लीज कोई भूत ना करना हम पे वार। मार डाला प्यारे, मार डाला। क्या लिखा है? इडियट, क्या लिखा है तूने? दो दिन तक हमारे पास नहीं है। चुप रह। क्या लिखा है? दो दिन तक हमारे पास। अरे नहीं। पागल, तूने अगर स्टेटस अपडेट किया होता ना तो अब तक कितने भूतों का पता चल चुका होता कि हमारे पास दो दिन तक हथियार नहीं है, आकर हम पर हमला कर देते। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या करूं, पेट में कुछ नहीं ना तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। थैंक यू, एक काम करते चल पहले चल के कुछ खाते। हाँ, चल, कल से कुछ नहीं खाया। चल, चल, चल। चलो चलो यही मौका है, बैग चुरा के लेके जाएंगे और भूतना को देके आएंगे और हमारी चकली को छुड़ा के लेके आएंगे। माफ करना प्रीतम प्यारे भाई, हम लोग चोर नहीं है लेकिन क्या करें, क्या हमारी मजबूरी ऐसी है, है ना? चल चल चल। मोटा भाई आप? हाँ मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। मतलब ये कांता बोल रही कि क्यों आप हम लोगों का इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब पता है मुझे, तुम्हारा सारा सच पता चल चुका है मुझे। मोटा भाई वो दरअसल बात ये कि मैं बताने ही वाला था आपको कि। तो फिर बताया क्यों नहीं? जब से आए हो तब से लेकर अब तक तुमने अपना मुंह नहीं खोला, जैसे अपने मुंह पे ताला मार दिया हो। ये बोल रहे माफ कर दो ना मोटा भाई। माफ कर दो? नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मुझे अपना समझते ही नहीं। अगर तुम मुझे अपना समझते तो चकली की बीमारी के बारे में मुझे बता दिया होता। आप चकली की बीमारी की बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ नहीं मतलब हम भी वही बात कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि गुलाबचंद ने मुझे फोन करके बता दिया कि चकली के ऑपरेशन के लिए तुम्हें 7 लाख रुपए की और जरूरत है। चिंता मत करना, सारा इंतजाम हो गया है, जैसे हमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता हम उसका ऑपरेशन करवा देंगे। नहीं मोटा भाई कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जैसे वो तुम्हारी बेटी है वैसे वो मेरी बेटी भी है। ये क्या है? प्रीतम प्यारे का बैग तुम लोगों के पास? हाँ? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है बैग? वो समझ गया मैं। प्रीतम
हाँ जी। ये क्या है? बैग है। हमारा बैग? हमारा बैग? मेरे मेहमानों से काम करवाओगे? उनसे बैग उठवाओगे? लेकिन जी हमने तो दोबारा अगर मेरे मेहमानों से बैग उठवाया है ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाओ ले लो। जाओ। Well, thank you. तो अब क्या करेंगे? कैसे छुड़ाएंगे अपनी चकली को? ये लड़की बॉटल से बाहर कैसे निकली? किसने ढक्कन खोला? मैं तुम तीनों से कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो। ठीक है, तुम लोगों से जवाब बुलवाना मुझे अच्छी तरह आता है, अभी पता चलेगा। वैसे मुझे सच बोलने की आदत तो है नहीं, फिर भी सच बताता हूँ। बता दे, ये गलती मैंने की है। फुसकी, मुझे माफ करना। अब तेरी खैर नहीं। भूतरीना जी, मैंने कुछ नहीं बोला तो फिर किसने बोला? और अगर किसी ने नहीं बोला तो हमारा बैग लेकर वो लोग क्यों जा रहे थे? वो लोग हमारा बैग लेकर जा रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है दया। है? नहीं दिखाएंगे। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की है तो दया बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। अरे समझ गया प्रीतम, जरूर वो लोग भी हमारी तरह भूतों को भगाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हाँ, तभी बार बार हमारे हथियारों के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, एक काम करते हैं, उन लोगों को भी हमारा बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, क्या बोलता है? पागल हो गया तू? अकल नहीं तुझको? सॉरी। अरे ये बहुत बहादुरी का काम है। इसके लिए हमारी तरह इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, दिमाग वाले लोग, शरीफ लोग चाहिए। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हमारा बैग चेक करते हैं, कहीं उसमें से कोई हथियार ना गायब हो। हाँ, चलो सब है। अरे कैमरे वाला टेडी बियर कहाँ है? टेडी बियर है ना, हॉल में पड़ा था। अरे नहीं था हॉल में, मैंने देखा था। तूने देखा था फिर भी बोल रहा है नहीं था? अरे मैंने देखा था वहां पे नहीं था। एक मिनट
एक काम करते, इससे बेहतर हम लोग चेक कर लेते। एक मिनट, हमारे टेडी बेयर का कैमरा लैपटॉप से अटैच्ड है, लैपटॉप ओपन करते ही पता लग जाएगा कि टेडी बेयर कहाँ है। अरे हाँ, क्या बात है, चल चल जल्दी से कनेक्ट करते हैं। चल चल। खबरदार, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तुम्हारी खैर नहीं। अरे भूतरीना दीदी, इसका मतलब टेडी बेयर भूतरीना दीदी के पास है। अरे लेकिन ये टेडी बेयर भूतरीना जी के पास कैसे पहुंच गया? मुझे जाने, मुझे मम्मी पापा के पास जाना। आंटी प्लीज मुझे छोड़। चकली की आवाज है। हाँ, चकली की आवाज है। आंटी प्लीज। बस अब कुछ ही देर की बात है, तुम्हारे मम्मी पापा प्रीतम प्यारे के घर से वो हथियार वाला बैग चुरा ले और मुझे दे दे। उसके बाद प्रीतम प्यारे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे मम्मी पापा चोर नहीं है, वो कभी चोरी नहीं करेंगे। करेंगे, उन्हें करना ही होगा, क्योंकि अब वो लोग भूत है। और भूतों के भलाई के लिए उन्हें ये चोरी करनी होगी। इसका मतलब कन्नू भाई और कांता बहन भूत है। इसका मतलब इतने दिनों से हम लोग भूतों के साथ रह रहे थे और हमें पता भी नहीं चला। कोई बात नहीं, नहीं पता चला ना, लेकिन अब पता चल गया, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट, लेकिन कुछ भी करें इससे पहले जीजा जी को बताना पड़ेगा। आखिर जीजा जी के भूतपूर्व रिश्तेदार थे ना, है ना? ठीक है, तू बता क्या। ठीक है, एक मिनट, मैं नहीं जाऊंगा जीजा जी के पास। हमारी जीजा जी वो बादल है जो गरजते नहीं है, बरसते भी है। हाँ तो लोग सच्चाई के लिए जान दे देते हैं, तू दो चार घूसा नहीं खा सकता। ऐसी बात तू खा लेना। मैं तो मतलब तू जा ना, सॉरी। तेरा भाई तुझे मौका देता है, तू जा। तो तेरा ये भाई तुझे मौका लौटाता है, तू जा। एक मिनट, ले ले। चुप रह। सॉरी। हम जीजा जी से इतना क्यों घबरा रहे? अरे हमारे पास सबूत है, हमारे पास लैपटॉप है। अरे हम जीजा जी को भूतरीना दिखा देंगे, जीजा जी मान जाएंगे। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। चल चल। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, एक छोटी सी बच्ची ने तुम्हें उल्लू बनाया है। क्यों खोला ढक्कन? हाँ, और तू चकली अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। नहीं आंटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, वापस चांस मिलेगा तुम भी मैं उल्लू नहीं बनाऊंगी, बस आंटी सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं आंटी, नहीं ना, प्लीज आंटी। भूतरीना जी, आप इसे नुकसान पहुंचाएगी तो इसके माँ बाप हथियार वाले बैग हमें नहीं देंगे। इडियट फुस्की, इडियट फुस्की, मैं तुम्हारी तरह उल्लू नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन इसके खिलौने को तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है ना, इसके टेडी को। नहीं आंटी, नहीं आंटी, प्लीज आंटी, नहीं ना, नहीं आंटी, नहीं आंटी, नहीं आंटी, नहीं आंटी, आंटी। ये लो, जाओ और इसकी सही जगह से फेंक दो। पर इसकी सही जगह कहाँ है? मेरे सर पे। अच्छा, खदा कई का, अब इसे उठाओ। अरे घड़ो, फुस्की को नहीं, नीचे रखो उसे। फुस्की, इस टेडी को उठाओ। हद हो गई है गुगी, हद हो गई है।
अब पानी जो है ना वो सर से ऊपर चला गया है। समझा दो अपने भाइयों को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर जानू, क्या क्या है उन्होंने जो आप लगे हैं रोने? मार डाला गुगी, मार डाला। मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। लेकिन क्यों? उन्होंने मेरे भाई को पहले भूत कहा, अब उसके परिवार से काम भी करवाते। This is not fair. एक गलती और की उन लोगों ने तो मैं उन्हें भेज दूंगा भटिंडा। प्रीतम, मामला भी बहुत गर्म है, हम लोग ना बाद में बताते हैं, चल। नहीं नहीं, डरता क्यों, घबरा मत। तू बता बता, मैं तेरे पीछे हूँ, बता। हाँ। तू हमेशा पीछे क्यों होता है, तू आगे क्यों नहीं होता? अच्छा, तू चाहता कन्नू भैया कि तेरा पीछे से गर्दन पकड़ ले? हाँ? चुप रह, तू चल, मैं तेरे चक्कर में हूँ। इसका मतलब ये सब तू मेरे लिए कर रहा है? भगवान करे सबको ऐसा वाइफ मिले। अरे क्या खुसर खुसर हो रही है, अंदर आओ। जी अंदर आओ। वो जी क्या है, वो क्या है, क्या है, क्या है? अरे मुझे क्या? ये जी बात दरअसल बहुत सीरियस है, और नहीं नहीं हम बताएंगे, लेकिन पहले आप एक कसम खाइए कि हमारे बताने के बाद आप हम पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, मैं बल प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन कसम खाने से पहले तो मैं बल प्रयोग कर सकता हूँ। नहीं जानू प्लीज तोड़ दीजिए ये रसम और खा लीजिए ना कसम। मार डाला गुग्गी, मार डाला। ठीक है, खा लेता हूँ कसम। अब बताओ क्या बात है? जी आपके मेहमान भूत है, हमारी हथियारों से भरी हुई बैग चुरा कर वो लोग भुतरीना को देना चाहते हैं, और शायद हमारी टेडी बेयर भी उन्होंने भुतरीना को दे दी है, कैमरा लगी हुई। टाइम प्लीज। ये जी कसम मत तोड़िए, कसम है आपको, आपकी कसम की। कसम से? देखा गुग्गी, देखा तुमने, पहले मेरे मेहमानों को भूत कहा, अब चोर भी कह रहे हैं। इतनी इंसल्ट। जी हम इंसल्ट नहीं कर रहे, हम सच बोल रहे हैं। यकीन नहीं आता तो आपको साबित कर सकते हैं, हमारे पास सबूत है। अगर तुम्हारा सबूत सही नहीं निकला और उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम दोनों को इतना धोऊंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। चलो। भुतरीना जी ने कहा था इसे सही जगह फेंक दो, इससे सही जगह और कोई नहीं हो सकती। प्रीतम प्यारे का टेडी यहाँ क्या कर रहा है? छे, तो गंदा है ये प्रीतम प्यारे भी ना। जजी आई, तू कहाँ आ रहा है? जजी आई, आइए जजी आई, आइए आइए, बैठिए जजी, बैठिए। ये देखिए सबूत, देखिए आप, है ना भुतरी ना? हेलो टेडी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हो गए हैं तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। लगा ना धक्का, लगा ना, है ना भुतरी ना? क्योंकि वो भुतरी नहीं है, मतलब हमने वो टेडी बेयर के अंदर कैमरा लगाया है ना। हाँ, और वो टेडी बेयर लेके मेहमान हमारे भुतरीना के पास पहुंच गए। हाँ, अरे दीदी उस भुतरीना को लगता होगा कि वो बहुत चालाक है, लेकिन उसे नहीं पता हम भी सवा चालाक है, सवा शेर है। हाँ। पर भाई ये तो, हाँ ये तो हमारे मेहमानों और भुतरीना के कोई मिली भगत है आपस में। कितना क्यूट टेडी बेयर है। लो प्रीतम, अब तो मुझे भुतरीना जी की आवाज में भी मेरी जी की आवाज सुनाई दे रही है, इतना प्यार करता हूँ। अरे गधो, ये मेरी है। ले, जीजा जी को भी मेरी जी दिखाई देने लग गई।